सरकार थे दैया कलबी, उनके लिए सरकार ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह दैया कलबी को ईमान की दौलत देना। सरकार का दुआ करना अल्लाह ने अल्लाह करी से दुआ कबूल फरमाया और दैया कलबी ने इस्लाम को कबूल किया। दैया कलबी ने इस्लाम को कबूल किया और अपने साथ सैकड़ों लोगों को द्वारा इस्लाम को कबूल किया। एक दफा दैया कलबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और रोते जा रहे हैं, सारों कतार रो रहे हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दैया कलबी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, दैया कलबी बहुत बड़ा गुनाहगार है, आप पर ईमान लाने से पहले इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, या रसूल अल्लाह दैया कलबी को इजाजत अता फरमाए कि मैं अपने आप को कत्ल करना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का सर काट के अपने आप को सजा देना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ। दैया कलबी रोते जा रहे हैं, सरकार ने फरमाया दैया कलबी ऐसा क्या जुर्म किया है तूने पहले जिस पर इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और अपने आप को जिंदा रहने का हकदार नहीं समझ रहा। दैया कलबी ने रोते अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैं वो हूँ, मैं वो गुनाहगार हूँ जिसने 72 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है, अपने हाथ से 72 बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा है। या रसूल अल्लाह आप पर ईमान लाने के बाद मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा गुनाह है और एक सारी जान की क्या कीमत है। या रसूल अल्लाह ये आप पर ईमान लाने के बाद पता चला। या रसूल अल्लाह दैया कलबी अपने आप को जीने का हकदार नहीं समझता, 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाला दैया कलबी इजाजत मांगता है कि मुझे इजाजत दे, मैं अपना सर काटना चाहता हूँ। यहाँ दैया कलबी रो रो के फरियाद कर रहे हैं, वहां से जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब परवा रहा है, दैया कलबी को खुशखबरी दे दे कि ये आपकी बारगाह में आ गया है, आपकी पनाह में आ गया है, अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है, अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सरकार ने जब ये बशारत सुनी, सरकार की आंख मुबारक से आंसू जारी हो, सरकार रोना शुरू हो गए। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी बशारत मिलने के बाद आप रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? सरकार ने आसमान की तरफ नजर को उठाया और कहा या अल्लाह इतने बड़े गुनाह करने वाला दैया कलबी 72 बच्चों को और एक मकाम पर 70 को जिंदा दरगोर करने वाला दैया कलबी एक बार मेरा नाम लिया, तूने इसको माफ कर दिया, या अल्लाह मेरी बाकी उम्मत जो बाद में आएगी उसके गुनाह दैया कलबी से बढ़ के तो नहीं होगे, मुझसे वादा फरमा जैसे दैया कलबी ने एक बार मेरा नाम लिया तूने इसके गुनाहों को माफ कर दिया, मेरा जो जो उम्मती मुझे पुकारेगा, मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के नारे लगाएगा, तू उसके गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह करीम ने वादा फरमाया, ये मेरे हबीब ये भी वादा रहा कि आपका जो उम्मती आपका नाम लिया करेगा हम उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। सरकार फरमाते हैं जैसे परवाने जो है वो शम्मा की तरह उड़ उड़ के जा रहे होते हैं और जल जाते हैं, इसी तरह तुम लोग भी इस माने को जिस तरह तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया गया है, तुम जहन्नम में गिर रहे हो और मैं वो हूँ जो तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर दर्द बचा रहा हूँ।